अहंकार ज्यादा सन्यासियों में होता है या इस्लामियों में अहंकार ज्यादा होता है? हैं? सन्यासियों में अहंकार ज्यादा होता है और भी अहंकार भी सबसे ज्यादा किस बात का होता है? एक तो ज्ञान का अहंकार होता है और दूसरा पवित्रता का अहंकार होता है और दोनों ही बातें झूठी है या सच्ची है, दिखावे वाली है।
और इस्लामियों में अहंकार होता है पवित्रता का, ज्ञान का अहंकार होता है। भगवान के दरबार में सब विकार क्षम्य है, लेकिन अहंकार की क्षमा नहीं होती है। चाहे कितना भी कामी हो, कामी अर्थात पतित हो, पतित से पतित का भी भगवान आकर उद्धार करते हैं, क्योंकि जानते हैं जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं वो सब भोगी हैं या योगी है, सब भोगी है। जो भी रथ लेते हैं वो सब स्वार्थी है। और स्वार्थी होकर भी वो पवित्रता का अहंकार करे, ज्ञान का अहंकार करे, जबकि ज्ञान एक बाप से ही आता है। बाप की दी हुई चीज और उस चीज को चुरा के अपना बना ले और फिर कहे शिवो अहम, मैं कौन हूँ, मैं ही शिव हूँ, ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो कितना बड़ा अहंकार हो गया। इसलिए इस्लामी ज्यादा ऊंचे हुए या सन्यासी ज्यादा ऊंचे हुए, साफ दिल तो मुराद हासिल। ओजोन लेयर फटता है तो सूर्य की किरणें सीधी धरती पे पड़ती है, तो उससे विनाश होता है, तो उसका बेहद क्या ओज किसे कहते हैं? ओज माने क्या? सूरज है और इस स्थूल में ओजोन लेयर है, लेकिन मनुष्य के पास सबसे ऊंची चीज कौन सी है? विल पावर भी काय से पैदा होती है, ओज से पैदा होती है। ओजवान, वीर्यवान, प्रतिभावान, सब प्रकार की प्रवृत्तियां प्रतिभाएं कहाँ से आती हैं? ओझ से आती है। और ओझ भी सिर्फ पुरुष जाति धारण कर सकते हैं, स्त्रियां भी धारण कर सकती हैं। धारण कर सकते हैं, लेकिन माताओं का रिगार्ड दिए बगैर नहीं कर सकते। जो पुरुष माताओं का रिगार्ड करेंगे सभी कन्याओं माताओं को ईश्वर बाप है।
और ये सब हमारी माता है। माता गुरु की दृष्टि से देखेंगे, चाहे अपनी घरवाली ही क्यों न हो। आत्मा आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखेंगे, वही उस ओज को धारण कर सकते हैं। कन्या माताओं रूपि धरणे, उनकी जो ऊंचे से ऊंची शक्ति है, जो पृथ्वी के वायुमंडल से भी ऊपर स्पेस से जुड़ी हुई है, वो ओजोन जब फटता है तो अपवित्रता बढ़ेगी या घटेगी? अपवित्रता की गर्मी बढ़ती जाएगी, काम विकार की गर्मी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विनाश सामने खड़ा हो जाएगा। तो ओजोन का बहुत महत्व है, खास करके जब बाप आते हैं तब। सूर्य की सीधी ज्ञान की किरणें मनुष्यों पर नहीं पड़नी चाहिए, बीच में किसको निमित्त बनाया है? कन्याओं माताओं को निमित्त बनाया है। ये बोला ज्ञान सुनाने का हक किसको दिया है भगवान ने? कन्याओं माताओं को दिया है। कन्याओं माताओं को ही हक दिया है, उस तन में आना चाहिए, स्त्री तन में आता है, उस तन में आना चाहिए। उस तन में आएगा तो पुरुष निमित्त बनेगा कि स्त्री निमित्त बनेगी? अरे जब पुरुष कल में आता है तो ज्ञान देने के निमित्त तो कौन बनेगा? पुरुष ही बनेगा। तो पुरुष के द्वारा ज्ञान नहीं सुनना पड़ेगा, बाप जगदम्बा को देखते हैं। बाप आते हैं तो ज्ञान का कलश शास्त्रों में क्या दिखाया है इसको देते हैं, लक्ष्मी के आंख में दिखाते हैं। जगदम्बा को देते हैं या लक्ष्मी को देते हैं? देते तो जगदम्बा को है, परंतु जगदम्बा है धरणी, और धरणी माता को वर्ल्ड मदर कहा जाता है। जिसे वर्ल्ड मदर कहा जाता है वो कितने बच्चों की मदर है? 500-700 करोड़ जो भी सब धर्मों के मनुष्य मात्र है, सब की मदर है। उनमें संख्या असुरों की ज्यादा है या देवताओं की संख्या ज्यादा है?
असुरों की संख्या ज्यादा है। तो धरणी माता किसके प्रभाव में आ जाती है? आसुरी बच्चों के प्रभाव में आ जाती है। ये लक्ष्य बद्ध होकर के नहीं चल पाती है। तो ज्ञान का वजन धोती है। जैसे ब्रह्मा ने क्या किया, ब्रह्मा के तन में सेवा आए तो प्रैक्टिकल जीवन में मनुष्य जीवन में धारण हुआ ज्ञान या सिर्फ ज्ञान का वजन धोया गया? वजन धोया गया। ऐसे ही बेसिक नॉलेज में, ऐसे ही एडवांस नॉलेज में प्रैक्टिकल ज्ञान जब उठाया जाता है तब कहेंगे ज्ञान का सच्चा अनुसरण किया। इसलिए डायरेक्शन देते हैं, विजयमाला का आवाहन करो। लेकिन क्या सब विजयमाला का आवाहन करते हैं? या वर्णमाल मदर का आवाहन कर रहे हैं? ज्यादा जेंट्री किनकी देखने में आती है? फिर लिखते क्या है, क्यों नहीं दिखेंगे? अगर दिखेगी नहीं तो राज करेगा खालसा, ये साबित तो होगा या नहीं होगा? राज करेगा तो राज करने वाली मदर संसार में वर्ल्ड मदर होगी या भारत माता होगी? भारत माता सिर्फ भारतवासियों के बीच में ही होगी और वर्ल्ड मदर सारी दुनिया के को उसके सामने झुकना पड़े, झुक कर चलना पड़े। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंतता यही नारा है कि वर्ल्ड मदर शिव शक्ति अवतार अंतता यही नारा है। क्या बोला? भारत माता शिव शक्ति अवतार। ये बोला जगदम्बा सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करती है और लक्ष्मी सिर्फ देह के धन की मनोकामना पूरी करती है। देह का धन भी सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना और दूसरों को धारण करना, इसलिए अंतर पड़ जाता है। भक्ति मार्ग में इन्हीं भी ब्रह्मा कहा जाता है। बेसिक वालों ने भी ब्रह्मा के तीन चेहरे दिखा दिए हैं या अलग अलग फीचर्स दिखाए हैं? ब्रह्मा के ही तीन फीचर्स दिखा दिए तो भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा के तीन फीचर्स दिखाए, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। लेकिन वास्तव में है त्रिमूर्ति सेवा, सेवा की तीन मूर्तियां हैं। इनके लिए बोला ये त्रिमूर्ति का चित्र यथार्थ नहीं है, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति का यथार्थ चित्र बनाना चाहिए।
इसके लिए भक्ति मार्ग में आज भी झंडा रोहण करते हैं, गाते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कोई जड़ कपड़े का तिरंगा नहीं है, चैतन्य रूपी तीन वस्त्र हैं, शरीर रूपी वस्त्र हैं, तीन वस्त्र ब्रह्मा के तीन चेहरों के रूप में नहीं है। जो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे वो प्रैक्टिकल है, ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। और ब्रह्मा जो शरीर छोड़ दिया द्वारा अभी तो द्वारा वो मीडिया है, द्वारा कहेंगे, द्वारा जिसके लिए बोला जाता है वो मीडिया साकार में होता है या आकार निराकार में होता है? आकार निराकार में होता है, साकारी मीडिया होना चाहिए। ऋषि और मुनि ऋषि के ऋषि माना पवित्र, गंगा जब पहाड़ों से उतरती है तो आखिरी पहाड़ का नाम क्या है? तो पहाड़ी एरिया का नाम है ऋषि के, वहां तक पवित्र है। कोई मैदानी मनुष्यों का कचरा उसमें नहीं गिरता है। और फिर पहला कौन से शहर में आती है जहां कचरा गिरता है? हरिद्वार में आती है, वहां से गंगा मैली होने लगती। तो ऋषि माना पवित्र है, और मुनि माना मनु की औलाद मुनि, जिन्होंने मनन चिंतन मंथन किया वो है मुनि। और बाबा पहले उतना बुद्धि में नहीं बैठता है, बहुत पहले ज्ञान उतना बुद्धि में नहीं बैठता, बाद में बहुत दिन होने के बाद बैठता है, समझता है उनका असली के विचार। तो वैरायटी पत्तों का झाड़ है, सब पत्ते एक जैसे होंगे क्या? कोई पत्ते ऐसे भी होते हैं कि एक सेकंड में ज्ञान उठा लेते हैं, इशारे से ही सारा ज्ञान समझ जाते हैं, बड़ी तीव्र गति का पुरुषार्थ पकड़ते हैं। कोई ऐसे होते हैं कि जल्दी उनकी बुद्धि में सच्चाई नहीं बैठती है। अलग अलग धर्मों की बीज रूपात में है ना, अलग अलग धर्मों की जड़ें हैं, अलग अलग धर्मों के पत्ते हैं, तो सब एक जैसे कैसे हो सकते? नारायण में और प्रजापिता में क्या अंतर है? नारायण संपूर्णता का नाम है, माना जो संगम युगी नारायण है वो नार अर्थात ज्ञान जल, आयन माना घर, जो ज्ञान के जल से कभी बाहर जिसकी बुद्धि जाती ही नहीं, अखबार पढ़ेगा
तो अखबार की हर बात से ज्ञान का अर्थ निकालेगी। बाइस्कोप भी देखेगा तो हर बात से क्या निकालेगा, ज्ञान से टैली करेगा। ज्ञान से बाहर बुद्धि जा ही नहीं सकती। तो ये नाम दे दिया है नारायण। तो नारायण की बात अलग। नारद की बात अलग है, वो भी नार लेकिन दा लगा हुआ है। दूसरों को ज्ञान जल देता है लेकिन बुद्धि कहाँ रहती है, कहाँ घूमता रहता है? सिर्फ स्वर्ग में घूमता है या नरक की दुनिया में भी घूमता है? नरक की दुनिया में भी बुद्धि घूमती है। तो उसका नाम है नारद। दूसरों को तो देता है लेकिन खुद बुद्धि नरक की दुनिया में विचरण करती है, न खुद स्वर्ग में जा पाता और न दूसरों को ले जा पाता। नारद एक है या अनेक है? जो भी कमकलाओं वाले नारायण हैं वो सब नारद हैं। दूसरों को ज्ञान जल देते हैं लेकिन खुद स्वर्ग में जा पाते हैं? नहीं जा पाते, शरीर छोड़ देना पड़ता है। और कितना टाइम पड़ता है माना कितना समय लगेगा? कोई एक आत्मा की बात है या अलग अलग पुरुषार्थियों की अलग अलग प्रकार की बातें हैं? तो एक के लिए जो बात होगी वो 16,000वें के लिए भी वही बात होगी है? अरे एक के लिए तो बोल दिया इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म प्रत्यक्षता रूपी कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5,000 वर्ष हुआ तो 76 आ जाता है। ये बात सबके लिए 16,000 के लिए लागू होगी क्या? 16 कला संपूर्ण बनने के लिए सबके लिए 76 वर्ष ही नुदा हुआ है क्या है? नहीं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग पुरुषार्थ की संपूर्णता जुड़ी हुई है। विवेकानंद आत्मा अभी भी अपने शिष्य चंद्रशेखर गरीब और दुखियों का दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा क्या क्यों होना जाना नहीं लिया? ये बात आपने सुनी किसी मनुष्य गुरु से सुनी या बाबा से सुनी? जंगल में एक जंगल आ रहा है। एक जनरल किताब लिखी गई है माना पत्रिका है, उस पत्रिका में कोई मनुष्य ने लिख दिया और आपने विश्वास कर लिया? नहीं बाबा, तो ये बात सारी सभा में सबको क्यों सुना रहे हैं? आपको विश्वास पक्का बैठ गया तभी तो सुना रहे हैं, और ऐसे सुना रहे हैं जैसे बात पक्की है, हैं? कोई विवेकानंद का पक्का फॉलोअर होगा तो उसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है क्या? क्या बात नहीं बैठती? जो ब्रह्मा कुमार सुनाते हैं कि इस दुनिया में सबका
पतन होता है, कोई की सदगति नहीं होती, कोई पार निर्वाण नहीं जाता, सब इस दुनिया में नीचे गिरते चले जा रहे हैं। तो उसकी मान्यता है कि विवेकानंद अभी भी विश्व का कल्याण कर रहे हैं। विवेकानंद भगवान की आत्मा है क्या? नहीं। तो किसी ने जो कुछ लिख दिया पत्रिकाओं में, अखबार में, उन सब बातों में विश्वास कर लेना चाहिए। हाँ, इसलिए बोला है भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों से दुर्गति पाली। और माता भी अविश्वास में पानी लेकर के पूछ करते हैं, काशी से काशी में गंगा लाते नहीं। हाँ, नहीं, काशी से भी गंगा जल ले जाते हैं, हरिद्वार से भी ले जाते हैं, क्योंकि हरिद्वार जो है वो ऋषिकेश से पहले पहले गंगा का पानी नीचे उतरता है, हरि के द्वार में। हरि माना जो संगम युगी कृष्ण है, वो संगम युगी कृष्ण पहले पहले गंगा के कनेक्शन में आता है। क्या संगम युगी कृष्ण का जो पार्ट है और गंगा की आत्मा का जो पार्ट है, वो और कन्याएं उस ज्ञान के संपर्क में बाद में आती है। पहले पहले कौन सी नदी समझती है ज्ञान की गहराई को? गंगा समझती है। ये है एडवांस के आदि की बात, और अंत में भी वो ज्ञान गंगाएं ही पहले पहले निकलती है जो जगत के उद्धार के निमित्त बनती है। इसलिए हरिद्वार में गंगा का जल बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और हर चीज दुनिया की पहले सतो प्रधान होती है, फिर बाद में तमो प्रधान बनती है। तो गंगा भी जब ऊंची स्टेज से पहले पहले हरिद्वार में आती है, मैदान में आती है, तो मनुष्यों का कल्याण करती है, ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। तो वह सतो प्रधान स्टेज, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो फरक्काबाद में जाके कल्याण करती है। तो वहां कचरा मिलेगा कि नहीं मिलेगा कुछ? फिर कानपुर में जाती है, कन्नौज में जाती है, वहां और कचरा मिलता है कारखानों का। इलाहाबाद में जाती है, वहां और कचरा गिरता है। तो गंगा दूषित तो होती जाती है। जैसे जैसे संग का रंग बदलता जाएगा, वैसे वैसे दूषण बढ़ता जाता है। फिर सागर में जाके मिलती है, तो सब नदियां सागर में जाके मिलकर के सागर समान हो जाती है। फिर सागर से पानी उठता है बादलों के द्वारा, फिर पहाड़ पर टकराता है, फिर नदी के रूप में बन जाता है। चक्कर चलता रहता है, पहले पतित फिर पावन, फिर पतित फिर पावन। सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, लेकिन बाप को नहीं भूलना। माना सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, तो उसमें सारी दुनिया में बाप नहीं है मौजूद क्या? है? सारी दुनिया में अकल्याण करने वाले बैठे हुए हैं, बाप भी कहाँ बैठा हुआ है? है? अकल्याण करने वालों की दुनिया के बीच में ही तो बैठा हुआ है। लेकिन एक का नाम है शिव, शिव माना कल्याणकारी, वो कभी अकल्याणकारी नहीं बनता। और कोई का नाम
ऐसे बनाई है, बल नाम रखवा लेते हैं, लेकिन वास्तव में नाम रखना अलग बात और प्रैक्टिकल काम करके दिखाना वो अलग बात है। शास्त्रों में जितने भी नाम हैं वो काम के आधार पर है। तो बाप को नहीं भूलना, इसका मतलब मायावी पुरुष, मायावी स्त्रियां, मायावी पदार्थ, ये बाप को भुला देंगे लेकिन हम उनके बहकावे में ना आ जाएं, कि बाप को भी झूठा समझने लगे। तो बाप, अगर बाप झूठा दिखाई पड़ेगा तो बाप भी दुश्मन हो जाएगा। और विनाश के पहले ही सब प्रजा वाले आपने ध्यान लेते हैं। विनाश तो दो प्रकार का दिखाया है, एक है महावारी महाभारत ग्रह युद्ध जो लंबे टाइम भी चलेगा, और आखिरी है तृतीय विश्व युद्ध महाभारत युद्ध के बाद चतुर्थ विश्व युद्ध, वो एटम बम फट पड़ेंगे। जैसे दीपावली पर, दशहरे पर बम फटाके छुड़ाते रहते हैं और अंत में फिर सब इकट्ठी आग लगा देते हैं, तो ऐसे ही दुनिया में धीरे धीरे विनाश बरपा होता रहेगा। बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े शहर एक एक करके नष्ट होते रहेंगे। तो इतना जब प्रदूषण फैलेगा एटम बमों का, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में 20-20 मेगावाट की बम्बियां छूटी थी, तो इतना प्रदूषण बढ़ गया कि उस समय के रोगी आज तक भी हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, और अभी तो हजारों हजार मेगावाट के बने हुए पड़े हैं, और वो ढेर के ढेर विस्फोट होंगे। तो वायुमंडल में कितना प्रदूषण फैल जाएगा, कितनी बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो बाप नहीं चाहते हैं कि बीमारियों में तड़पते रहें लंबे समय तक, 5-7 रोज में सारा खेल खलास करा देंगे। और तृतीय विश्व युद्ध माने महावारी महाभारत ग्रह युद्ध, जिसके आसार भारत में दिखाई दे रहे हैं और किसी देश में दिखाई नहीं दे रहे हैं। भारत में जितना जातिवाद और जातिवाद को लेकर झगड़े हैं उतना और किसी देश में नहीं है। अनेक प्रकार की जातियों का जमघट जितना भारत में भरा हुआ है इतना और देशों में और धर्मों में नहीं है, और धर्मखंडों में नहीं है। इसी आधार पर भारत में जितनी राजनीतिक पार्टियां फैली हुई है और राजनीतिक पार्टियों के आधार पर विद्वेष फैला हुआ है, इतना दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। ऐसे ही राज्यवाद और राज्यों की संख्या जितनी भारत देश में है उतनी और दुनिया के किसी देश में राज्य को लेकर के झगड़ा नहीं है। भाषावाद,
भाषाओं को लेकर के जितना झगड़ा भारतवर्ष में है, मुरफुटौल है, उतना दुनिया के और किसी देश में भारत वो भाषाओं का झगड़ा नहीं है। गरीबी और अमीरी इसका भेद जितना भारत में फैला हुआ है उतना दुनिया के और किसी भी देश में नहीं है। ऊंच और नीच का भेद जितना भारत में है उतने दुनिया की कोई कौम में नहीं है, कोई देश में नहीं है। इतनी भिन्नताओं के बीच में फिर भी भारत देश में कोई ऐसी विशेषता है जो यहाँ का प्रजातंत्र शासन में आज तक भी मिलिट्री शासन नहीं चला है, और वही पड़ोसी देश पाकिस्तान में कितनी बार मिलिट्री शासन हुआ। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश में सबसे जास्ती गिरी हुई हालत किसानों की है। 70% खेती करने वाले यहाँ हैं और 30% ऐसे लोग हैं जो दूसरे दूसरे व्यवसायों पर जीवन यापन करते हैं। 70% लोगों की हालत बहुत खराब है, कोई सोचने वाला नहीं है उनके बारे में। गरीब गरीब होते जा रहे हैं, उनके ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं और रईस रईस होते जा रहे हैं। अभी तो ये हालत हो गई कि यहाँ विदेशी कंपनियों ने पूरा अड्डा जमा लिया। भारत देश जैसे विदेशियों के हाथ में बिकता जा रहा है। सारे बड़े बड़े शहर हैं और बड़े बड़े शहरों की जितनी भी एसेट्स हैं, संपत्तियां हैं, वो विदेशी लोग खरीदते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही होता रहेगा या परिवर्तन होगा? जब अति हो जाती है तो अंत हो जाता है। इसलिए भारतवर्ष में सबसे पहले महाभारत गृह युद्ध छिड़ेगा, जो अंदर अंदर अभी धधक रहा है। घर घर में लड़ाई लगी पड़ी है, अभी खून के रिश्ते साथ खत्म होते जा रहे हैं। बाप बाप को नहीं पूछता, भाई भाई को नहीं पूछता, बेटा बाप को नहीं पूछता, बहन भाई को नहीं पूछती, किस बात में झगड़ा हो रहा है? संपत्ति को लेकर के सब आपस में झगड़ रहे हैं। जब ऐसी हालत हो जाती है तो धक से विस्फोट होता है, और वो विस्फोट भी होगा अकाल से। पहले जोर से अकाल पड़ेगा सारे हिंदुस्तान में, पानी की बूंद नहीं मिलेगी, खाने के लिए अन्न नहीं मिलेगा। यहाँ की 70% गरीब जनता जिहाद कर देगी, फिर मारामारी शुरू हो जाएगी। तो तृतीय विश्व युद्ध होगा भारत में, इसमें भारत और भारत के आसपास के देश सब कूद पड़ेंगे। क्या पाकिस्तान, क्या अफगानिस्तान, क्या चीन और क्या तिब्बत, ये
ये लंबे समय का युद्ध है, खून की नदियां बहेंगी, विकराल विराम विनाश सामने खड़ा हुआ है। चौथा विश्व युद्ध होगा वो तो थोड़े टाइम का होगा, तो कितने साल गुजर गए अभी, सत्तर इकहत्तर साल हो गए, अभी बहुत थोड़ा समय बचा है, विनाश सामने खड़ा हुआ है। काल के गाल में खड़े हुए हैं सब, अब राधा कृष्ण के जन्म के पहले ही सभी सजा वाले अपना ज्ञान लेते हैं, तब कैसे ज्ञान लेंगे? राधा कृष्ण के राज्य में राधा कृष्ण का जब जन्म होगा तो प्रजा थोड़ी सी होगी या 9 लाख होगी? थोड़ी सी प्रजा होगी, थोड़े से ऐसे प्रजा वर्ग के लोग होंगे जिन्होंने ज्ञान को गहराई से स्वीकार किया होगा, बाकी तो सारी दुनिया अज्ञानी, थोड़े ही तो होंगे यथा राजा तथा प्रजा। और लोग बोलते हैं ना, एक बाप दूसरा न कोई, लोग बोलते हैं, हमारी समझ में तो आता नहीं कि एक ही बाप हो और दूसरा कोई ना हो, जिसको हम अपना दिल दे सकें, दिमाग दे सकें, तन दे सकें, धन दे सकें, ऐसे हो सकता है क्या कि एक कोई हम सब कुछ अर्पण कर दें? बोला, बोलना अलग बात है, प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करना अलग बात हो जाती कि दोनों बातें एक हो सकती है, हैं? एक बाप दूसरा न कोई, ये करना भी प्रैक्टिकल जीवन में हो सकता है या सिर्फ कहने कहने की बात है? जिनके जीवन में प्रैक्टिकल करना संभव है वो अभी से ही वो स्टेज पकड़ रहे होंगे। वो स्टेज पकड़ेंगे तो ऊंचे ऊंचे नंबर भी ले लेंगे। जिनके लिए ये बात ख्याली पुलाव दिखाई पड़ती है, ये संभव बात है, ऐसा हो नहीं सकता, उनका नंबर भी पीछे हो जाएगा। आखरीन तो सारी दुनिया की बुद्धि में बैठेगा क्या, एक बाप दूसरा न कोई सच्चा, सारी दुनिया झूठी धोखेबाज और एक बाप ही सच्चा है। और बाबा 2007 में अभी भारत की राष्ट्रपति माता बनी, ये पहली बार हुआ है तो ऐसा बेहद में क्या होगा? राष्ट्रपति के हाथ में सारी सत्ता होती है या प्रधानमंत्री के हाथ में सत्ता होती है? है? राष्ट्रपति तो रबर स्टाम्प कहा जाता है, जैसे चलाओ वैसे चलने के लिए मजबूर हो जाता है,
कहने में आता है राष्ट्रपति। लेकिन सारी सत्ता किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में होती है। और प्रजातंत्र में प्रधानमंत्री के हाथ में भी सारी सत्ता नहीं होती, किसके हाथ में होती है? आखरीन अगर प्रजा बिगड़ जाए तो सारी सत्ता किसके हाथ में? प्रजा के हाथ में होती है। इसलिए जनता जनार्दन कहा जाता है। विश्व का मालिक जो निकलेगा वो प्रजा के अंदर से निकलेगा या राजाई करने वाले मंत्री पदों पर बैठने वालों के भीतर से निकलेगा? और आप तो यहाँ नहीं आते हैं, कैसे याद करना है? आप तो नहीं आते हैं, हम तो आपके लिए तरसते रहते हैं ना, हम यहाँ कैसे आपको ढूंढना है? भक्ति मार्ग में ढूंढना है, भक्ति मार्ग में ढूंढेंगे। भक्ति मार्ग में ढूंढने से मिलता है क्या? जब भक्ति मार्ग में आता ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? आते नहीं, बट लेकिन हमें आपके लिए बहुत तरसते रहते हैं। भक्ति मार्ग में पाते ही कहाँ है? अरे भक्ति मार्ग में जब भक्ति मार्ग पूरा होता है आते हैं तो भी उनको मिलते हैं जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है, जिन्होंने अब भी विचारी भक्ति की है शुरुआत में, उनको पहले मिलते हैं। और जिन्होंने भक्ति कम की है उनको नहीं मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। चलो।